हैदराबाद एनकाउंटर को लेकर देश भर में छिड़ी बहस के बीच जोधपुर के एक समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े ने कहा कि न्याय न्याय है, वह प्रतिशोध या बदला नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी अपराधी का अपराध सिद्ध होने से पहले गुस्से में आकर उसको सजा देना उचित नहीं है, और अगर यही ठीक है तो फिर देश में अदालतों की जरूरत क्यों? लोग अपने आप ही न्याय करने लगेंगे, ऐसा न्याय जो समाज में अराजकता फैला देगा। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि न्याय के नाम पर ठगी आजादी के बाद भी देश में धड़ल्ले से चल रही है। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश जैसे देशों में अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। इसके विरुद्ध राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बराबर आवाज उठा रहे हैं। उनकी पहल पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी वेबसाइट कई भारतीय भाषाओं में कर दी है। जस्टिस बोबड़े ने कहा कि कोविंद जी मेरे पुराने साथी हैं, मुझे उन पर गर्व है, वे राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर भी अपने सिद्धांतों को नहीं भूले। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जोधपुर में कहा कि न्याय को जरा सस्ता करो, सुलभ करो, गरीब आदमी की हैसियत ही नहीं कि वह मुकदमा लड़ सके। गरीब आदमी को जैसे मैं शिक्षा और इलाज मुफ्त देने की वकालत करता हूं, वैसे ही उसे इंसाफ भी मिलना चाहिए। यदि वकालत, डॉक्टरी और शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाएं बन जाएं, तो कुछ ही वर्षों में भारत महाशक्ति बन सकता है। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।